अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स ग्रेड वन साइंस यूनिट नंबर 6 लेसन नंबर 3 अर्थ एंड स्काई लेक्चर नंबर 1 पेज नंबर 70 टिल पेज नंबर 73 टास्क डियर स्टूडेंट्स Following task we will discuss in this lecture. What is the weather? Weather क्या है? What are the seasons? Seasons क्या होते हैं? Seasons in different places. Different places में different seasons किस तरह से बनते हैं? Dear students, before we begin, you all are requested to make sure that you have your science books, classwork and homework notebooks, complete stationery available with you. And please listen to the teacher carefully and follow all the instructions. Weather. So first we will discuss about weather. Weather is what it is like outside. Weather क्या है? Weather हमारे इर्द गिर्द के मौसम को कहते हैं, यानी कि इर्द गिर्द मौसम कैसा है इसको हम कहेंगे ये weather है या मौसम है. The weather can change every day. मौसम हर रोज़ बदल सकता है. It is sunny when there is a lot of sun. अगर बहुत ज़्यादा धूप हो, सूरज बहुत ज़्यादा चमक रहा हो तो हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और ये sunny day है. It is cloudy when there are clouds. जब बहुत ज़्यादा बादल हों आसमान पर तो हम कहते हैं मौसम cloudy है, बादलों वाला मौसम है. And it can be clear. या मौसम जो है बिल्कुल साफ शफाफ हो सकता है, क्लियर हो सकता है. क्लियर मींस दैट देयर आर नो क्लाउड्स. क्लियर का मतलब ये है कि आसमान पर बादल नहीं हैं, यानी जब आसमान पर बिल्कुल भी बादल नहीं होते तो हम कहते हैं कि वेदर क्लियर है. क्लाउड्स इन द स्काई, इट कैन बी क्लाउडी सीजन. सम टाइम इट इज़ रेनी, बाज़ औक़ात बारिशें हो रही होती हैं. And sometime it is windy. और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएँ चल रही होती हैं, यानी कि वेदर जो है वो रेनी विंडी एंड स्नोई भी हो सकता है. समटाइम इट इज़ स्नोई, जब बर्फ़बारी हो रही होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो वाटर वेपर्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और बर्फ़ की सूरत में वो बर्फ़बारी की सूरत में ज़मीन पर उतरते हैं, तो इन्हें हम स्नोई सीज़न कहते हैं. अब यहाँ पर आपकी बुक के पेज नंबर 70 पे आपको तीनों कंडीशंस दिखाई गई हैं वेदर की. रेनी सीज़न, रेनी वेदर भी दिखाया गया है, विंडी वेदर भी और स्नोई वेदर भी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव अ क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द पिक्चर्स मैच विद द वर्ड्स. वी हैव 4 वर्ड्स, क्लियर, सनी, snowy and cloudy. You have to match these words with appropriate pictures. So which picture shows the clear weather? Yes, picture number 4 shows the clear weather. So you will match it with picture number 4 on your book, page number 71. Snowy, the picture that shows a sunny day, you will match it with a sunny picture. Snowy day और स्नोई वेदर, यू विल मैच इट विद अ पिक्चर दैट शोज अ स्नोई वेदर. एंड क्लाउड्स, द पिक्चर दैट हैव सम क्लाउड्स. इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व इट. टू सॉल्व योर क्वेश्चन आंसर्स और योर बुक वर्क क्वेश्चन, यू हैव टू पॉज द वीडियो, डू द क्वेश्चन आंसर्स एंड देन अगेन रीप्ले द वीडियो टू हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स. What is weather like? Weather किस तरह से दिखाई दे रहा है? Page number 71 पे आपके पास दो pictures हैं. उन दोनों pictures में किस तरह का weather आपको present किया गया है आपने ये बताना है. Whether it is rainy, windy, snowy, cloudy or sunny. So here are two pictures. So what this first picture shows? What type of weather? Yes, this is clear weather. There are no clouds, so this is clear weather. Second picture shows windy weather. So this will show a windy weather. The first picture have a clear weather and also a rainy weather. So you can write rainy weather also.
Now we'll discuss about season. The weather can change at different times of the year. अब different time of the year में season change हो, weather change हो सकता है, मौसम बदल सकता है और इसी वजह से seasons जो हैं वो बनते हैं. अब throughout the year earth की जो revolution है around the sun, earth का सूरज के इर्द गिर्द जो घूमना है उसकी वजह से कुछ फेस ऑफ अर्थ जो है, फेस ऑफ अर्थ जो कि सन को फेस करेगा, वहाँ पर हॉट सीज़न होगा या वहाँ पर थोड़ा सनी सीज़न, समर सीज़न होगा. लेकिन वो फेस ऑफ अर्थ जो कि सन को फेस नहीं कर रहा बल्कि वो अवे फ्रॉम द सन है, तो वहाँ पर थोड़ा कोल्ड वेदर होगा, कोल्ड सीज़न होगा या हम विंटर सीज़न कह सकते हैं. सो हाउ आर सीज़न कॉज, सीज़न आर कॉज्ड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ around the sun. So the time of the year are called as seasons. So that time of year in which a certain season change take place or a certain weather change take place, we call that time as a season. Four seasons are there: fall, winter, spring and summer. चार मौसम हैं हमारे पास जिनमें बहार, खिजां, गर्मी और सर्दी का मौसम है. In some place leaves change color in fall. जब खिजां आती है या फॉल सीज़न होता है तो दरख्त अपने पत्तों का कलर चेंज करते हैं, यानी उनके पत्तों का कलर येलो हो जाता है एंड देन वो झड़ जाते हैं, तो हम कहते हैं ये खिजां का मौसम है. विंटर इज़ कोल्ड एंड स्नोई इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर विंटर कोल्ड और स्नोई होता है. इन स्प्रिंग ट्रीज एंड प्लांट्स गेट फ्लावर्स, जब मौसम में बहार आता है तो प्लांट्स और ट्रीज जो हैं उनके ऊपर नए पत्ते लगते हैं और नए फूल उन पे लगते हैं, बहुत ज़्यादा कलरफुल फ्लावर्स. एंड समर कैन बी हॉट इन सम प्लेसेस, और कुछ जगहों पर समर बहुत ज़्यादा हॉट होता है, कुछ पर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर होगा लेकिन कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बिकॉज दे हैव अ सनी वेदर. सीजन्स इन डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट प्लेस पे सीजन्स डिफरेंट किस तरह से होते हैं. जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि सीजन्स जो हैं वो अर्थ की रेवोल्यूशन अराउंड द सन है उसकी वजह से कॉज होते हैं, इसी वजह से एक दुनिया में डिफरेंट जो ममालिक हैं या जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं या डिफरेंट एरियाज़ हैं एक वर्ल्ड के, वहाँ पर डिफरेंट मौसम होंगे, डिफरेंट सीजन्स होंगे. सीजन्स आर डिफरेंट अराउंड द वर्ल्ड. सो As we discuss that season are different around the world, we know that these are caused by the revolution of earth around the sun. So that phase of the earth that faces the sun will have a hot season or it will have a sunny season, summer, or that phase that is away from the sun phase, it will have a cold weather or a cold season. So some places have summer when other places have winter. So at the same time different areas get different type of season. So some places are too hot to have snow and some places have a rainy season and a season when it does not rain a lot. So इसी तरह से different areas में seasonal changings आती रहती हैं throughout the year. कभी वहाँ पर सर्दी होगी, कभी गर्मी होगी, कभी खिजां का मौसम होगा और कभी बहार का मौसम होगा, कभी rainy season होगा और कभी विंडी वेदर होगा. तो ये सारी जो सीजनल चेंजिंग्स हैं ये थ्रू आउट द ईयर डिफरेंट एरियाज में आती रहती हैं. ओके स्टूडेंट्स, बिफोर यू स्टार्ट योर वर्क यू हैव टू राइट डाउन द इंडेक्स, राइट डाउन सीरियल नंबर, डेट, टॉपिक दैट इज अर्थ एंड स्काई, लेसन नंबर 3. नाउ यू हैव सम क्लास वर्क, राइट क्वेश्चन ऑन क्लास वर्क नोटबुक्स. तो आपने ये सारे क्वेश्चन जो हैं अपनी क्लास वर्क नोटबुक पे करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ वेदर, वेदर इज़ व्हाट इज़ लाइक आउटसाइड, यानी बाहर का मौसम कैसा है इसको हम वेदर कहते हैं. व्हाट डज द क्लियर मीन, देयर इज़ नो क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान पर बादल नहीं हैं तो वेदर क्लियर होगा. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द सीजन्स, सीजन्स क्या होते हैं. Weather can change in different times of the year and these times of the year are called as seasons. Weather ya mausam throughout the year badalta rehta hai aur isi wajah se seasons cause hote hain. Question number 4, how many seasons are there when where you live. So we live in Pakistan, we have 4 seasons. Question number 1, what are the seasons.
Weather can change in different times of the year, and these times of the year are called as seasons. How many seasons are there where you live? 4 seasons. Now you have some homework. Write the answers of the questions on your homework notebook. Question: Where is the sky? Answer: We see the sky when we look up. आउटसाइड जब हम ऊपर की तरफ को देखते हैं तो हमें आसमान नजर आता है. यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर होमवर्क नोटबुक. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द सन गिव अर्थ? लाइट. सन गिव्स अर्थ लाइट एंड आल्सो हीट. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कैन यू सी इन द डे स्काई? आपको डे स्काई में क्या नजर आता है? सन, क्लाउड्स एंड सम टाइम मून टू. आसमान पर हमें सूरज नज़र आता है, बादल नज़र आते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि हमें चांद भी नज़र आता है. हल्का सा एक उसका इमेज महसूस होता है, लेकिन हमें ये डे टाइम में कभी कभार नज़र आता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव सम होमवर्क. ओपन अप योर डायरीज, राइट डेट, सब्जेक्ट एंड देन राइट डाउन योर डायरी. लर्न ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन and do question number 7-9 on page number 72-73 and do review exercise on your book. You have to do all the book work questions on your book pages and write all the additional questions of this lesson. Okay dear students, this is end of the lesson. You have to do all the questions that are explained. You have to do on your classwork notebook and additional questions on your homework notebook and bookwork questions on your book. If you find any difficulty regarding this lecture, you can ask us on WhatsApp number. For that, you have to mention your name, subject, grade, lecture number and lesson number so that you can get a positive response. So this is end of the lesson. Allah Hafiz, and make sure to do your work properly.